नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो दोस्तों, हम डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिजीज के प्रति जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए कि आज का हमारा जो क्लास है वो कौन सा क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी पार्ट टू के बारे में, यानी कि इम्यूनिटी के पिछले क्लासेस में हमने इम्यूनिटी पार्ट वन को डिस्कस किया था और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी पार्ट टू की, यानी कि इम्यूनिटी में जो और टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के सेल्स और मेकानिज्म को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम, यानी कि CMIS। लेकिन इसको डिस्कस करने के पहले आपको हम कुछ बता दें, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिएगा, हम डिस्कस किए थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको पहले समझेंगे। ओके, तो दोस्तों ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें दो हिस्से होते हैं। दो हिस्सा कौन कौन सा हिस्सा है तो उसको हम देखते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो हिस्से होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं AMIS और दूसरे को कहते हैं CMIS। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें दो हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने कंपोनेंट्स हुए? दो कंपोनेंट्स, AMIS और एक CMIS। अब ये AMIS का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो AMIS का मतलब होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। यानी कि पिछले क्लास में जो हमने एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस किया था वो किसके अंतर्गत आता है? तो AMIS के अंतर्गत आता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है। इसको हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? तो डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीबॉडी ब्लड में पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ब्लड में पाए जाते हैं। सो दैट इसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो हिस्से हो गए, जिसको एक हिस्से को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं CMIS, यानी कि इसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एमिस और दूसरा है सेमिस, यानी कि एक्वायर्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को। आप देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार वर्क करता है, इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो सब हम हिस्सों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम टी सेल के द्वारा मेडिएट किया जाता है, टी सेल के द्वारा रेगुलेट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो टी सेल के द्वारा
रेगुलेट होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या है, तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा इम्यून सिस्टम या वैसा इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें बहुत प्रकार के क्या करते हैं सेल्स भाग लेते हैं या जो इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, उसको हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो आप इसे ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वैसा इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम जो विभिन्न प्रकार के सेल्स सेल्स के द्वारा और रेगुलेट किए जाते हैं। ये जाते हैं उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या है? तो वैसा इम्यून सिस्टम जो विभिन्न प्रकार के सेल्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब कि उसमें विभिन्न प्रकार के सेल्स भाग लेते हैं, उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो वो टी सेल के द्वारा रेगुलेट होता है। अब बात यहाँ पे ये रहा कि जो जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है दोस्तों कब वर्क करेगा, किस स्थिति में इसको वर्क करना है, तो हम देखते हैं दोस्तों ये कब वर्क करेगा। यानी कि जब देखेंगे जब बॉडी पर किसी वायरस बैक्टीरिया एवं फंगी इत्यादि का अटैक होता है, तब यह एक्शन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है कि ये कब एक्शन करेगा, तो जब बॉडी के ऊपर किसी वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी क्या होगा अटैक होगा तब ये एक्शन करेगा। इससे रिलेटेड कुछ और बात बता दें कि जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो जो सेल्फ एंटीजन होते हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करता है, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन पर इफेक्ट नहीं करता है, नहीं करता है। तो हमने क्या देखा कि जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ एंटीजन पर इफेक्ट नहीं करता है, तब कब इफेक्ट करेगा? तो दोस्तों अगर कोई बाहर से क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा बॉडी है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाहर कोई क्या है एंटीजन है, वो जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो ये जो इम्यून सिस्टम है इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको हम देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। जैसे दोस्तों देखेंगे कि ये जो
सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसमें जो टी सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स को भी क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि CMIS कैंसर के सेल पर रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करता है। तो ये था सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वर्क करता है। तो आपको बता दें, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति है। अब हुआ यही कि इसके बॉडी के ऊपर अटैक होता है पैथोजन का। ओके, बॉडी के ऊपर अटैक होता है पैथोजन का, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हो गया इन्फेक्शन। क्या हो गया फ्रेंड? हो गया इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों कि इसको जब इन्फेक्शन हुआ तो हमारे शरीर के अंदर जो होगा वो बनेगा टी लिम्फोसाइट्स। ओके, इन्फेक्शन हुआ तो जो टी लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर के अंदर है वो कहाँ पहुंचेगा? तो दोस्तों वो पहुंचेगा इन्फेक्शन के जगह पे। इन्फेक्शन के जगह पे पहुंचेगा और इन्फेक्शन के जगह पे पहुंच करके क्या करता है? तो वो अपना एक क्लोन बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स? तो वो एक अपना क्लोन बनाता है, क्लोन बनाता है। अब क्लोन को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ। यहां पर समझ सकते हैं इन्फेक्शन इन्फेक्शन हुआ। जब इन्फेक्शन हुआ तो जो हमारा शरीर है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है टी लिम्फोसाइट, जो कि यहां पे दिख रहा है टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ पहुंचा? इन्फेक्शन के जगह पे पहुंचा और जा करके क्या किया? उसने अपना क्लोन बनाया जिसे हम लिम्फोब्लास्ट कहते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहां पर ये जो लिम्फोब्लास्ट है वो करेगा क्या? तो देखने का प्रयास करेंगे। जो लिम्फोब्लास्ट है लिम्फो ब्लास्ट है वो और क्या करेगा? टी सेल को उत्पन्न करेगा, यानी कि टी लिम्फोसाइट को उत्पन्न करेगा। अब बी सेल कौन कौन से टी लिम्फोसाइट्स को उत्पन्न करता है? तो ये जनरेट करेगा पहला, जिसको हम कहते हैं किलर टी सेल, दूसरा हेल्पर टी सेल, तीसरा सप्रेसर टी सेल, और जो चौथा है उसे हम कहते हैं मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल। तो दोस्तों पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। इन्फेक्शन हुआ तो जब इन्फेक्शन हुआ तो टी लिम्फोसाइट इन्फेक्शन के जगह पे पहुंचा। अब ये लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? तो
तो जब हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम बताएंगे तो वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप जानिए कि लिम्फोसाइट्स बनते हैं लिम्फाइड ऑर्गन में, जैसे कि बोन मैरो हो सकता है। तो लिम्फोसाइट्स कहाँ पहुंचा? इन्फेक्शन के जगह पर पहुंचा। फिर उसने अपने क्लोन को बनाया जिसे हम लिम्फो ब्लास्ट कहते हैं, और लिम्फो ब्लास्ट ने और सेल को प्रोड्यूस किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। तो दोस्तों यहां पर अब ये चारों मिलकर के क्या करेंगे, उस इन्फेक्शन के लिए कुछ करेंगे, कुछ इनके द्वारा मैकेनिज्म किए जाएंगे, क्रियाएं की जाएंगी। तो उन क्रियाओं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किलर टी सेल की बात कर लेते हैं कि किलर टी सेल क्या करता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो टी सेल है वो क्या करता है, क्लोन बनाता है जिसे हम लिम्फोब्लास्ट कहते हैं। और ये लिम्फोब्लास्ट क्या करता है, तो चार प्रकार के सेल्स बनाते हैं, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं किलर टी सेल की, किलर टी सेल करता क्या है। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं किलर टी सेल क्या है। तो आप इसे कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। यह एक महत्वपूर्ण टी लिम्फोसाइट होता है, राइट, होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो किलर टी सेल होता है उसके सरफेस पे क्या होते हैं, तो एंटीजन रिसेप्टर पेप्टाइड पाए जाते हैं। तो इसके सतह पे, इसके सरफेस पर, सरफेस पर एंटीजन, एंटीजन क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। सतह पर एंटीजन रिसेप्टर या रिकॉग्निशन रिसेप्टर पेप्टाइड, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन रिसेप्टर पेप्टाइड पाया जाता है, पेप्टाइड पाया जाता है, पाया जाता है, जो एंटीजन को या एंटीजन से बाइंड होता है। जो एंटीजन को बाइंड करता है, बाइंड करने का मतलब उससे जुड़ता है, बाइंड करता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि किलर टी सेल करता क्या है। तो किलर टी सेल एक महत्वपूर्ण टी लिम्फोसाइट होता है, और इसके सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर पेप्टाइड पाया जाता है जो एंटीजन को बाइंड करता है। अब होगा यही कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, कि मान लेते हैं ये सेल है, ये हमारा सेल है, ओके। अब हुआ यही है कि इन्फेक्शन हुआ, इसमें इन्फेक्टेड है, क्या फ्रेंड्स, इन्फेक्टेड है। और इन्फेक्टेड है कैसे, इन्फेक्टेड है क्योंकि यहां पे पहुंच गया है क्या, एंटीजन, कोई एंटीजन पहुंचा है, एंटीजन पहुंच गया है। आ एंटीजन पहुंच गया है तो हुआ यही है कि जो टी लिम्फोसाइट है उसने ये सेल उत्पन्न किए हैं, किलर टी सेल। तो यहां पर ये जो किलर टी सेल है, किलर टी सेल है, वो करता क्या, इससे बाइंड हो जाता है, मान लेते पैथोजन हो गया। और यहाँ पे ये है किलर टी सेल, किलर टी सेल। अब किलर टी सेल आकर के क्या होता है, इससे जुड़ जाता है।
अब किलर टी सेल इससे जुड़ता है तो होता यही है कि यह एक खास प्रकार के क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं परफोरिन, यानी कि किलर टी सेल एंटीजन से बाइंड होकर, जेन से बाइंड होकर परफोरिन रिलीज करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये किलर टी सेल है एंटीजन से क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, परफोरिन। अब जैसे ही क्या होता है परफोरिन रिलीज होता है तो ये जो एंटीजन है उसके जो दीवार है उसका जो वाल है क्या होता है, तो उसका दीवार में छिद्र हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि क्या होता है रप्चर हो जाता है। जब रप्चर हो जाएगा तो सेल क्या हो जाता है, मर जाता है। तो परफोरिन रिलीज करता है जिसके फलस्वरूप एंटीजन रप्चर हो जाता है। रप्चर होने का मतलब फट जाता है, और जब एंटीजन रप्चर हो जाता है तो मर जाता है, रप्चर हो जाता है एवं मर जाता है। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि किलर टी सेल ने कैसे एक्शन किया, तो किलर टी सेल क्या हुआ, इन्फेक्टेड के अंदर जो एंटीजन प्रवेश किया है तो उससे क्या हुआ, बाइंड हुआ, और बाइंड होकर के एक क्या किया, तो एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है परफोरिन, जिसने क्या किया एंटीजन के देखिएगा रिलीज किया। अब क्या हुआ बाइंड किया तो उसमें छिद्र हो गए, ठीक है, इसके जो दीवार है उसमें छिद्र हो गए, छिद्र हुआ यानी कि वो अब रप्चर हो गया, जब फट गया जिसके कारण वो क्या हो गया, मर गया। तो इस प्रकार से किलर टी सेल कार्य करता है। अब किलर टी सेल के बारे में आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, जैसे कि ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर कोई सेल क्या है इन्फेक्टेड है वायरस से, अब ऐसी आशंका रहती है या अगर वायरस से इन्फेक्टेड सेल है वो इन्फेक्शन को अगर फैला रहे तो क्या होता है कि ये जो सेल है उस से ये जो किलर टी सेल है वो उस सेल से बाइंड होता है और उस सेल को ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको हम समझते हैं, देखिए फ्रेंड्स जैसे कि यहां पे आप समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे एक सेल है, ओके, इस पर अटैक हुए है वायरस का, ये सभी के सभी क्या है, तो ये है वायरस। अब इसके बगल में भी सेल है, ये भी सेल है, इसको हम लिख देते हैं सेल नंबर टू और इसको लिखते हैं सेल नंबर वन, तो ये भी सेल है। तो अगर ये दिक्कत होती है या आशंका होती है कि जो वायरस से संक्रमित सेल है वो इन्फेक्शन को और फैलाएगा तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो टी सेल है वो एक्शन करते हैं, जो किलर टी सेल है वो इस सेल के ऊपर एक्शन करते हैं और इस सेल को ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं, सेल को ही मार देते हैं। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लेंगे, क्या नोट करना है कि वायरस से संक्रमित सेल से इन्फेक्शन यानी संक्रमण इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, को फैलने से
रोकने के लिए किलर टी सेल उस कोशिका को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। कोशिका को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे शरीर में भी बहुत क्या है तो खतरनाक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर में क्या करती है तो बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। उसी में से क्या है तो किलर टी सेल। तो किलर टी सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किलर टी सेल होता क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार वर्क कर रहा है। एक पॉइंट और आपको बता दें कि यह कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। किलर टी सेल कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय यानी कि इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल। ओके फ्रेंड्स, कि किलर टी सेल कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहां पर हमने बात की कि किलर टी सेल कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल की जिसे आप हेल्पर टी सेल के नाम से जानते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम हेल्पर टी सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, हेल्पर टी सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है। अब ये करता क्या है कि ये जो टी सेल है या बी सेल को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए और साथ ही साथ यह टी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। तो इसके फंक्शन की बात कर लेंगे कि करता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, फिर बात कर लेंगे कि हेल्पर टी सेल करता क्या है। तो यह बी सेल को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट या स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीबॉडी बना बन सके, करता है ताकि एंटीबॉडी बन सके। ओके फ्रेंड्स, तो जो हेल्पर टी सेल है उसने क्या किया, तो उसने बी सेल को एक्टिवेट किया या स्टिमुलेट किया ताकि एंटीबॉडी बन सके। इसके अलावा यह टी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा अलावे यह टी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हेल्पर टी सेल के हेल्पर टी सेल करता है क्या है। तो सबसे पहले ये उसको एक्टिवेट करता है। ओके, फिर देखेंगे फ्रेंड्स, ये बी सेल को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, फिर इसके अलावा क्या करता है, तो ये टी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है। अब इसके बाद हम तीसरे सेल की बात कर लेते हैं जिसे आप सप्रेसर सेल के नाम से जानते हैं कि आखिर सप्रेसर सेल करता क्या है और उसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहां पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं, दो कर लिए इसको भी कर लेंगे। सप्रेसर टी सेल, तो फ्रेंड्स सप्रेसर टी सेल सप्रेस, अब आप जानिएगा सप्रेस का मतलब क्या होता है, रोकना या दबाना। तो यहाँ पे ये किसी ना किसी प्रकार से प्रोहिबिशन का ही कार्य करेगा यानी कि दबाने का ही कार्य करेगा। तो देखते हैं क्या करता है। तो सप्रेसर सेल इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद, इन्फेक्शन
कंट्रोल होने के बाद, होने के बाद, यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि क्या हुआ, किलर टी सेल ने इंफेक्शन को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट थे या एंटीजन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर क्या हुआ, तो अब तो एंटीबॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब एंटीबॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा, तो दोस्तों देखेंगे कि जो सप्रेसर टी सेल है वो करता क्या है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट के एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। यानी कि अब तो एंटीबॉडी बनने की आवश्यकता नहीं है, तो बिना काम के वर्क क्यों करेंगे, इसलिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। तो इस प्रकार के क्या है, ये सप्रेसर टी सेल कार्य करता है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, जिसे आप मेमोरी टी सेल के नाम से जानते हैं। मेमोरी टी सेल, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मेमोरी टी सेल है वो करेगा क्या, तो सिंपल सा इसका ज्यादा कोई वर्क नहीं होता है। इसका वर्क होता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के कारण जो सूचनाएं मौजूद हुई हैं कि किसी एंटीजन का अटैक हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उन सभी सूचनाओं को क्या कर लेता है, तो ये स्टोर कर लेता है। अब ये स्टोर कर लेता है, जैसे कि हमारा दिमाग है, तो हम किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अपने दिमाग में उसको स्टोर कर लेते हैं। या सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड है, अब ये जो फ्रेंड है वो दिल्ली रहता है, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या हुआ कि उसका चेहरा, उसकी बातें अब आपको याद है, क्लियर है, अब याद है। अब वो आपका जो फ्रेंड है वो एक साल, दो साल, यानी दस साल के बाद भी आएगा, तो आप उसे क्या पहचान लेंगे। क्यों पहचान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि उसका जो चेहरा है, उसकी बातें हैं, वो आपके दिमाग में क्या है, स्टोर है, यानी कि उसकी बातें और उसका जो चेहरा आपके दिमाग के मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मेमोरी टी सेल है, इन्फेक्शन के जो इंफॉर्मेशन उसको क्या कर लेता है, संभाल के रख लेता है, एक याद के रूप में रख लेता है। अब क्यों रखता है, तो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह इन्फेक्शन के सूचना को स्टोर कर लेता है। अब स्टोर करके क्या करता है, तो जब कभी उसी पैथोजन या उसी एंटीजन का फिर से अटैक होता है, तब क्या कर सकेगा, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उस पर जोरदार प्रहार कर सके, ताकि सेम एंटीजन का अटैक होने पर, सेम एंटीजन का अटैक होने पर जोरदार रिस्पॉन्स किया जा सके, तो दोस्तों इस प्रकार से मेमोरी टी सेल वर्क करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम समझ में आया होगा कि क्या होता है हेल्पर टी सेल, क्या होता है किलर टी सेल, क्या होता है सप्रेसर टी सेल और क्या होता है मेमोरी टी सेल, ये आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि इससे किसी और को भी भला हो सके। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से और ये जो टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कल हमने एंटीबॉडी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर जो एंटीबॉडी थे उससे
आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि एंटीबॉडी क्या है उसका सचित्र वर्णन करें। तो जैसा कि डायग्राम आपके सामने था, तो आप डायग्राम बनाएंगे और उसको, जैसे हमने आपको एंटीबॉडी बताया था कि एंटीबॉडी होता क्या है, किस प्रकार का प्रोटीन है या कितने प्रकार का होता है, ये आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट क्या है तो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट या नेक्स्ट फ्रेंड है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि समझिएगा कि जैसे हमारा शरीर है उसमें हम लगवाते हैं वैक्सीन, क्लियर, वैक्सीन लगवाते हैं कोई किसी बीमारी का, तो वो उसी वक्त वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है, देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी की, जैसे कि देखेंगे ये हमारा बॉडी हो गया, समझेंगे क्या है, ये हमारा बॉडी है। अब हमारे बॉडी में ये एंटीजन हो गया, बाहर से कोई एंटीजन प्रवेश किया, कोई एंटीजन प्रवेश किया, चाहे वो एंटीजन क्या हो, डेड हो या एंटीजन का वीक फॉर्म हो, ओके। अब प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है क्या करता है, तो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब ये एंटीबॉडी बनाता है तो इस प्रकार के जो इम्यूनिटी उत्पन्न की जाएगी, यानी कि जो रिस्पॉन्स किया जाएगा, उसी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में पहले से नहीं है, पहले से ये एंटीबॉडी नहीं है। क्या हुआ, जब कोई ये पैथोजन प्रवेश किया या एंटीजन प्रवेश किया, तब हमारे शरीर के द्वारा एंटीबॉडी बनाए गए, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि जब बॉडी में एंटीजन मारा हुआ या कमजोर मारा हुआ या कमजोर रूप में, कमजोर रूप में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है या प्रवेश कराया जाता है, या प्रवेश कराया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि हम यही जान रहे हैं कि जब बॉडी में कोई एंटीजन क्या होता है, बाहर से प्रवेश करता है और वह चाहे मरा हुआ रहे चाहे वो कमजोर रहे, तो क्या होता है, तब हमारा शरीर क्या बनाता है, एंटी बॉडी बनाता है, तब शरीर एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड, तो एंटीबॉडी बनाता है, बनाता है, तब जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है, इम्यूनिटी उत्पन्न होती है होती है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि देखिए कि हमारा शरीर है और इसमें बाहर से कोई डीड पैथोजन या वीक फॉर्म में कोई एंटीजन प्रवेश कर रहा है, तो हो ही रहा है कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, तो एंटीबॉडी बना रहा है, तो उससे जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगी उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो यह स्लो होता है, या स्लो होता है,
स्लो होता है। अब ये स्लो कहने का मतलब क्या हुआ कि फुल रिस्पांस करने में समय लगता है, फुल रिस्पांस करने में समय लगता है। करने में समय लगता है या समय लेता है, तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है और इसको फुल रिस्पांस करने में अधिक समय लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब बॉडी में किसी एंटीजन का क्या होता है, अटैक होता है, या कोई एंटीजन मरे हुए रूप में या वीक फॉर्म शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। जैसा कि आप देखिएगा, अगर जो एंटीजन है वो मरा हुआ है, तो मरा हुआ है तो हुआ यही कि जब मरा हुआ है तो उसको शरीर में प्रवेश कराया गया, तो हमारा शरीर को ये थोड़ी पता है कि वो मरा हुआ कि जिंदा है। हमारा शरीर बस जानता है कि बाहर से कोई बाहरी आदमी आया है, कोई ब्लैक शीप हमारे अंदर क्या हुआ है तो घुस गया है, यानी कोई घुसपैठी आया है, उसको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। जब रहने नहीं देंगे तो क्या करेंगे, तो उसको तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे करेंगे। तो होता यही है कि जब उसको एंटीजन, जब एंटीबॉडी बना देता है, तब पता चलता है कि ये तो पहले से मरा हुआ है, तब होता क्या है कि वो एंटीबॉडी स्टोर हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार का जो इम्यूनिटी उत्पन्न किए जाते हैं उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पैसिव इम्यूनिटी बहुत ही सिंपल है, यानी कि जब बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो उससे जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है उसी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, जब बाहर से रेडीमेड, इसके एग्जांपल भी बताएंगे हम आपको, रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी में भेजा जाता है, बॉडी में भेजा जाता है, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको पैसिव इम्यूनिटी के बारे में समझ आ चुकी होगी कि पैसिव इम्यूनिटी है क्या। तो इसको समझना बहुत ही आसान है कि जब शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडी को प्रवेश करा दिया जाएगा और उससे जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगी उसी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिएगा, जो मदर मिल्क होता है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो मदर मिल्क होता है उसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, मदर मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, IgA। अब कोलेस्ट्रॉल में IgA क्या होता है, तो भरपूर मात्रा में होता है। अब क्या करता है कि जब बच्चा ये इसको, इस प्रकार के दूध को क्या करता है, पीता है, यानी कि माँ का जो पहला दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और उसमें IgA भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो उसे जब क्या करता है, बच्चा उस दूध को पीता है, तो उसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट पहुंचते हैं, यानी कि बना बनाया एंटीबॉडी पहुंचता है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल होगा वो पैसिव इम्यूनिटी का हो जाएगा, यानी कि बच्चे में जो IgA दूध के साथ जाता है वो पैसिव इम्यूनिटी देता है। ठीक वैसे ही IgG, या ठीक वैसे क्या होते हैं, तो कुछ और एंटीबॉडी होते हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं, प्लासेंटा से शिशु के अंदर ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, मतलब प्लासेंटा पार करके शिशु के अंदर पहुंच जाता है। अब कल ही हमने उसको डिस्कस किया था कि कौन सा क्या है एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को भी पार कर सकता है, तो IgG, ठीक है।
यहाँ पे प्लासेंटा से क्या हुआ, बच्चे के अंदर चला गया, अब बच्चे के अंदर वो बना नहीं, वो मां से डायरेक्ट कहाँ पहुंचा है, तो बच्चे के अंदर पहुंचा है। तो इस प्रकार का जो इम्यूनिटी उत्पन्न हो रहा है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, क्योंकि वो अंदर जाएगा और बच्चे को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है क्लियर हो चुका होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है वैक्सीन। तो हम वैक्सीन और वैक्सीनेशन सबकी बात करेंगे, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि वैक्सीन होता क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वैक्सीन को हम कहते हैं टीका, और वैक्सीन जो शब्द है वो बना है वैक्सीनिया से। कहां से बना है फ्रेंड्स, वैक्सीनिया से। ओके, तो वैक्सीन को कहते हैं टीका और बना है वैक्सीनिया से। अब वैक्सीन में क्या होता है, तो वैक्सीन में जो पैथोजन होते हैं उनका कमजोर रूप होता है या मरा हुआ रूप होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए वैक्सीन में क्या होता है या वैक्सीन बनता कैसे है, तो देखेंगे फ्रेंड्स कि वैक्सीन का निर्माण कैसे होता है। वैक्सीन का निर्माण, वैक्सीन का निर्माण डीड पैथोजन या पैथोजन का वीक रूप पैथोजन के वीक रूप से होता है। वीक रूप से होता है मतलब आप समझिए, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, तो कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा था उसमें जो कोरोना का वायरस है उसको क्या पहले ऑलरेडी मार दिया गया है, अब मार करके उसमें केमिकल्स में रख दिया गया है। अब उसी को हम क्या करते हैं शरीर में उसको इंजेक्ट करते हैं। अब देखिए कि जब वैक्सीन लग रहा था, ये कोई भी वैक्सीन लगता है तो हल्का फीवर आता है। अब वो फीवर क्यों आता है दोस्तों, तो फीवर इसलिए आता है कि हमारा शरीर उसको पहचानता है और उसके जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करने के लिए, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी टेम्परेचर बढ़ाता है, क्योंकि शरीर को पता चलता है कि ये हमारे एरिया का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, तो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो वही बात चल रही है यहाँ पे कि वैक्सीन का निर्माण डीड पैथोजन या पैथोजन के वीक रूप से होता है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वैक्सीन का खोज कब हुआ था, किसने किया था, तो दोस्तों वैक्सीन का खोज हुआ था 1796 या 1798 देख लेंगे 1796-98, और इसको किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और इन्होंने वैक्सीन का खोज किया था, और ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि इन्होंने किस वैक्सीन का खोज किया था, तो स्मॉल पॉक्स या जिसको हम काउ पॉक्स भी कहते हैं, काउ पॉक्स के टीका का खोज। एडवर्ड जेनर ने किया था, किसने किया था फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने। ओके, एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहां पर वैक्सीन क्या होता है, तो हमने देखा कि वैक्सीन का निर्माण डीड पैथोजन या पैथोजन के वीक रूप से होता है, और स्मॉल पॉक्स का या काउ पॉक्स के टीका का खोज सबसे पहले, फर्स्ट जो टीका का खोज हुआ था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है, या वैक्सीन के फिर हम वैक्सीन के टाइप भी पढ़ लेंगे, तो बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीन को शरीर के अंदर इंजेक्ट करना वैक्सीनेशन कहलाता है, मतलब टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया वैक्सीनेशन कहलाता है।
वैक्सीन लगाने की क्रिया की क्रिया वैक्सीनेशन कहलाता है। कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहां पे क्या देखा, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहा जाता है। अब यहां पे हम आपको कुछ नोट्स बताते हैं, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्म वैक्सीनेशन की बात किया जाए, वैक्सीनेशन की बात किया जाए, यानी कि इस टर्म की बात करेंगे, तो जो टर्म वैक्सीनेशन है इसको देने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, यानी कि एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीन वैक्सीनेशन टर्म को दिया था। अब फिर ये बात आ जाती है कि वैक्सीन टर्म किसने दिया। तो फ्रेंड्स जो टर्म वैक्सीन है हो जाते ही होने था, टर्म वैक्सीन दिए थे लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने, यानी कि वैक्सीन शब्द को किसने दिया, लुईस पाश्चर ने, और वैक्सीनेशन शब्द को किसने दिया, तो एडवर्ड जेनर ने दिया था। ओके, एक और पॉइंट्स आपको बता दें कि एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, एडवर्ड जेनर क्या है, फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम बात कर लेते हैं वैक्सीन के प्रकार की, कि वैक्सीन कौन कौन प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत सारे बुक्स में नहीं दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से जान लेंगे कि वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम वैक्सीन की बात करेंगे तो वैक्सीन आपको तीन प्रकार के मिलेंगे। एक जिसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, अब ये इसको बोलेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, और इसको बोलेंगे थर्ड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फ्रेंड्स यहां पे बात हम कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की, फिर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की, फिर थर्ड जनरेशन वैक्सीन की। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या है, और थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब होता यही है कि क्लासिकल, यानी कि पुराने जमाने में जो वैक्सीन बनाए जा रहे थे, क्लासिकल प्रोसेस से जो वैक्सीन बना था उसको हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। मतलब कि क्लासिकल प्रोसेस, यानी कि पुराने विधि से, क्लासिकल प्रोसेस से निर्मित वैक्सीन को फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि वैसा वैक्सीन जिसको क्लासिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया गया होता है या जो बना होता है उसको हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर हुए थे उन्हीं को हम क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। अब बात रहा कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या है, तो दोस्तों ध्यान देंगे वैसा वैक्सीन जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, जो वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग
जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है उसे हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। अब ये रहा थर्ड जनरेशन वैक्सीन, कि वैसा वैक्सीन जिसका ट्रायल जारी है उसे वैसा वैक्सीन जिसका ट्रायल चल रही है। यानी कि फ्रेंड्स अभी इसका जो ये वैक्सीन है इसका मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं हो रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, उसको हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोलेंगे। और जिस वैक्सीन का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के यूज करके हो रहा है, उसको हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलेंगे। और ये जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है वैसा वैक्सीन होता है जिसको क्लासिकल प्रोसेस से तैयार किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वंस अगेन आपको बता दें कि ये जो क्लासेज चल रही हैं ये कंटिन्यू चलेंगी, और क्लास के लिए जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे।